Hi, my name is Afrin Khan. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. हाँ तो बिल्कुल गाइज आप देख सकते हैं कि अच्छा मत देखिए, कुछ चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती है। तो आप अभी ये देख सकते हैं कि ये जो मेरे घर में ये थोड़ा सा निकला हुआ है, ये पहले दरवाज़ा लगा हुआ था, ढूंढो, ये मेरे घर में पहले दरवाज़ा लगा हुआ था जो दरवाज़ा दीमक खा गया। तो हम लोग जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनके यहाँ ऐसे ही होता है कि दरवाजे में दीमक लग जाता है और दीमक खा जाता है, तो इस वजह से वो दरवाज़ा निकलवाना पड़ा। लेकिन ये हम लोग निकलवाना भूल गए और ये खुद ही से निकाल देंगे, पेच का घर में रखा होगा तो उससे ऐसे ऐसे करके उसको निकाल सकते हैं, तो ये निकल जाएगा। देखिए कुछ बात करने के लिए कोई टॉपिक तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ टॉपिक तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो फिर ये निकालेंगे बहुत जल्द। और ये देखिए मेरा टैटू, आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टैटू दिखाइए टैटू, ये देखो टैटू थोड़ा सा उजड़ा चमक लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और अपने टैटू का हम लोग ध्यान रख नहीं पाते हैं, क्योंकि टैटू का ध्यान रखने के लिए इस पर कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना चाहिए, लेकिन इतना काम रहता है कि कुछ हो ही नहीं पाता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि कल मैं गई हुई थी लखनऊ में, थोड़ा सा मुझे वर्क था और मैं गई हुई थी अपनी सिस्टर को लेके, और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी वहाँ पर, और फिर धूप थी और उसके बाद फिर बस में ट्रैवल करना, और ये क्या नाम है, ये साला पहले हम लोग यहाँ से फैज़ाबाद गए, फैज़ाबाद जाने में ही 3 घंटा लग गया था क्योंकि अंदर अयोध्या का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, अयोध्या का रास्ता, और क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहा है तो जब बन जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, रोड वगैरह बहुत अच्छे हो जाएंगे वहाँ के। और वहाँ पे फिर हम लोग वहीं से निकलते निकलते वो पता नहीं कहाँ से घुमा के अंदर इधर उधर उधर इधर इधर लेके गया था, फिर पता नहीं कौन कौन सी गली में घुमा के लेके गया था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ फैज़ाबाद पहुँचे 3 घंटे बाद, पहुँचने के बाद वहाँ पर हम लोगों को पता ही था उतरना कहाँ है, बस कहाँ मिलती है, क्योंकि फैज़ाबाद जो है, फैज़ाबाद से अगर हमको लखनऊ जाना है तो एक बुलेरो मिलती है और बस सरकारी मिलती है जाने के लिए, सरकारी बस से जो किराया लगता है वो मैं बता दूँ, क्योंकि अगर मैं बाद में बताऊँगी किसी चीज़ में तो मैं भूल जाऊँगी, वो लगता है 1 पर्सन का 191 रुपये लगते हैं लखनऊ जाने के लिए बस, सरकारी बस से। अगर हम बुलेरो से जाते हैं तो शायद वो थोड़ा कम पड़ जाएगा, 2 लोग 300 रुपये में चले जाएंगे, और बुलेरो से ये अच्छा रहता है कि कहीं वो रुकती नहीं है रास्ते में, और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ 2 घंटे में पहुँचा देगी, लेकिन बस आपको 3-3.5 घंटे में पहुँचाती है, और रास्ते में वो लखनऊ जाते समय बिटरिया में ज़रूर रुकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और धूप में ये बस खड़ी करने के बाद जो माँ बहन हो जाती है कि आप पूछिए बस। तो हम लोग वहाँ फिर वहाँ से 5 घंटे लगे हम लोग को, 3 घंटे लगे तो पहले वहाँ पहुँचने में, फैज़ाबाद पहुँचने में, उसके बाद हम लोग को लगे लगभग 8 घंटे टोटल लगे होंगे हम लोग को लखनऊ पहुँचने में। लखनऊ पहुँचने के बाद तुमसे नहीं मतलब नहीं व्लॉग नहीं बना पाए तो इसमें मैंने आप बता दे रहे हैं ना कि क्या क्या मेरे साथ कल हुआ। फिर हम लोग लखनऊ पहुँचे, लखनऊ पहुँचने के बाद जो हम लोग का वर्क था वो हम लोगों ने किया, और हाँ खाया वाया कुछ नहीं, खाली 20 रुपये की एक बिस्लेरी बोतल ली और वही पिया, कुछ खाया नहीं। फिर उसके बाद पानी पीने के बाद फिर हम लोग रात भर पानी पीते रहे। ये नहीं गई थी मेरे साथ, बीच वाली बहन मेरी गई थी। फिर पानी पिए हम लोग, पानी पीने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, उतरे वहाँ, फिर हम लोगों ने ऑटो ली जहाँ हम लोग को जाना था वहाँ के लिए गए साले ने वहाँ से, मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या लगेगा, कितना क्या पैसा लगेगा, तो हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ पर 200 रुपये ले लिया, बकचोद इंसान 200 रुपये ले लिया वहाँ जाने के लिए, जबकि वहाँ से 20 रुपये लगता है, रोड क्रॉस करेंगे दूसरे साइड से अगर हमें जाना होगा वहाँ से 20 रुपये लगता है, लेकिन 200 रुपये वो ले लिया। उसको खाना भी खाने जाना था, कह रहा था जा रहे थे खाना खाने, किस्मत चमक गई भोसड़ी वाले की। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे गए जहाँ जाना था, फिर वहाँ पर सारी चीज़ें की, इंक्वायरी वगैरह की, फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न आ गए। रिटर्न तो इतनी जल्दी आए कि आप पूछिए ही मत, रिटर्न आने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस ये था कि 3 या 4 घंटे लगे होंगे अपना,
हम लोग बस में बैठे और बस में हम लोग सबसे आगे बैठे, प्राइवेट बस थी, सबसे आगे बैठे और सब लोग कहते हैं कि प्राइवेट बस जो होती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है चलने में, 40-50 मिनट लगते हैं। लेकिन वो बस जैसे ही वहाँ पे सब धीरे धीरे करके, सबसे पहले हम ही लोग गए बैठे वहाँ पर क्योंकि और कोई नहीं आया था, खाली थी बस। लेकिन 5-10 मिनट में पूरी बस फुल हो गई और जब बस फुल हो गई और उसके बाद हम लोग उसमें बैठ गए, फिर 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 नहीं बल्कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो बस निकल गई और बहुत अच्छी बस थी। पहले तो हम लोग उस जगह पे बैठे जहाँ आपातकालीन सीट होती है, जहाँ पे हथौड़ा मार के फोड़ दो अगर इमरजेंसी है, तो वहाँ पे बैठे थे हम लोग। तो भैया जी ने बोला कि वहाँ पे टायर रखा जाता, तो इसलिए हम लोग वहाँ से हट के सबसे आगे जो बस में एरिया होता है, सबसे आगे जहाँ एकदम शीशा बड़ा वाला लगा रहता है, वहीं पर हम लोग बैठ गए। जब हम लोग वहाँ पर जाके बैठे, इतनी बढ़िया हवा आ रही थी कि पूछिए ही मत। और उसके थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा आया हम लोग के बगल बैठा हुआ था, ब्लैक पूरा वो भी पहने था और हम लोग भी पूरा ब्लैक पहने हुए थे, है ना, पूरा ब्लैक वो भी पहने था, हम लोग भी पूरा ब्लैक पहने हुए थे। और पता है बच्चा कैसे पता चला कि बच्चा है वो? उसकी आवाज़ से पता चला कि वो बच्चा है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला और कुछ भी नहीं कहा, बच्चा था वो। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे चलते रहे और बस चलती रही, फिर जब बस चल रही थी उसी बीच एक लोगों से लड़ाई हो गई। एक अंकल जी बोले हम यहीं बैठा हम पैसा दिए हैं ना, यहीं बैठा तो यहीं बैठा, जहाँ हम लोग बैठने वाले थे ना वहीं पर, हम यहीं बैठा तो यहीं बैठा, हम कहूँ ना बैठा। क्यों ऐसा बोल रहे थे? क्योंकि उनको किसी ने कह दिया था कि नहीं यहाँ बैठना ही नहीं, आप नहीं बैठ सकते यहाँ पर, तो वो जिद ठान लिए थे कि हम वहीं बैठेंगे। तो वहीं पर बैठे मोटे अंकल जी थे। उसके बाद एक लोग बस में बैठे हुए थे तो कह रहे हैं हम आगे सीट पर बैठो। तो जब वो आगे वाली सीट पे कह रहे थे बार बार बैठने के लिए, तो वो खड़े रह गए गेट पे, गुस्सा हो गए, 10-5 मिनट खड़े रह गए। फिर बस निकलने वाली थी तो जो ड्राइवर भैया हम लोग को ऑटो से लेके आए थे, क्योंकि जहाँ वहाँ से पॉलिटेक्निक से ऑटो नहीं, कहाँ से कमता से ऑटो बैटरी रिक्शा पे बैठा दिया गया था, उसका कोई पैसा नहीं लगता, फिर आपको प्राइवेट बस में ले जाकर बैठाया जाएगा। पता नहीं क्या होगा प्राइवेट बस वालों का ये वीडियो देखने के बाद। तो उसके बाद फिर हम लोग, फिर हाँ वो भैया जी जो थे, जो भैया जी कह रहे थे कि मतलब गुस्सा जो हो गए थे वो, क्योंकि वो भी आगे बैठ गए, अंकल जी भी, तो उनको भी तो आगे बैठना बनता है ना। तो मेरे सामने ही कम से कम 4 लोग लाइन से सिर्फ जेंट्स लोग बैठे हुए थे, कल ही हम 2 लोग लेडीज़ बैठे हुए थे एकदम साइड में, बाकी सारे जेंट्स बैठे हुए थे। लेकिन कोई भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे घर से थे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे और ऐसा भी कोई नहीं लगा कि कोई अजीब सा है। हाँ थोड़े अनएजुकेटेड लोग भी थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से बिहेव किया, मतलब एज अ बोल सकते हैं कि हम लोग को प्रोटेक्ट के तरीके से किया या कुछ भी बोल सकते हैं, तो बहुत अच्छे थे। और ऐसे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे रहते हैं, कहीं जल्दी मिलते नहीं, तो बहुत अच्छे थे। वैसे हम लोग सीरियस भी थे तो इसलिए कोई कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था, हम लोग अपने काम से काम रख रहे थे, हम लोग शीशे की तरफ देख रहे थे, उधर कभी देख ही नहीं रहे थे। तो वो जो भैया जी गुस्सा हो गए थे, उनके बारे में बताना भूल गए, वो भैया जी गुस्सा हो गए थे और उसके बाद वो खड़े रहे वहीं पे, तो जो ड्राइवर थे कहें उतरो उतरो जाओ 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 जाओ, तो वो उतर गए, उनको धक्का मार के उतार दिया गया। अब वो उतर भी गए, उतर के चले गए, फिर हम लोग रास्ते पर चले, हम लोग फैजाबाद पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो ली, ऑटो लेकर फिर हम लोग घर आ गए। तो हम लोग घर आ गए, घर आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और उसके बाद फिर घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई। उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है परी रेस्टोरेंट, तो वहाँ हम लोगों ने फ्राइड राइस लिया, घर पे आए खाए, खाने के बाद फिर सामने वाली भाभी जो हैं हमारे यहाँ, उन्होंने लड्डू दिया था क्योंकि उनका छत पड़ा हुआ है, घर का छत डला हुआ है, तो मैंने वो लड्डू खाया, एक बेसन का लड्डू था, बहुत टेस्टी था, मेरा फेवरेट है बेसन का लड्डू और गरी का लड्डू। तो हम लोगों ने वो खाया, खाने के बाद सो गए। और इसके बाद का जो व्लॉग है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं दिन भर क्या क्या करती हूँ। बाय बाय। सो आज मैं बताऊंगी आपको अब कि मेरे घर में आज क्या बनने वाला है, तो देखते हैं चल के मेरे घर में आज क्या बनने वाला है। देखिए मम्मी सब्जी काट रही हैं क्योंकि हम लोग तो फूहड़ हैं एक नंबर के, तो इस वजह से दिखाते हैं कि आज क्या बनेगा हमारे घर में। चलिए आज बनाने वाली है भिंडी और ये प्याज से बघारा जाएगा, और ये भिंडी इधर भी है, मम्मी काट रही हैं भिंडी, हमारे घर में भिंडी बनेगी। जब बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ये भिंडी कैसे बनती है। जब बनेगी मम्मी तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? और शायद आप देख सकते हैं कि बाहर बारिश का मौसम आ चुका है,
ये देखिए बाहर बादल आ रहे हैं और बारिश होने वाली है, और बारिश जब होगी तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी कि बारिश कैसे होती है। तो हे गाइस, हम लोगों ने सोचा है वीडियोस बनाने के लिए धूप में, दिखा दो कितना टाइम हो रहा है अभी। दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं छत पर अटैच करने के लिए, ताकि हम लगाएंगे अपना ये कैमरा। तो गाइस, हमारा जो ट्राईपॉड है वो सेट हो रहा है। तो गाइस, हम फर्स्ट अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, और इस बारे में मैंने पहले भी बनाया हुआ है, तो देखते हैं मेरी वीडियो ये कैसी है। ये जो फिल्टर है स्वीट वाला मैंने लगाया हुआ है, स्वीट वाला फिल्टर, और हम चलते हैं डांस वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने ये फ़ोन अपना यहाँ रखा है ज़मीन में, दिख रहा है, दिख रहा है, ये फ़ोन मैंने ज़मीन में रखा है। उसके बाद हम लोगों ने टाइमर सेट किया और अब हम जा रहे हैं वीडियो बनाने। कैमरा उधर घुमा, बन गई पहली वीडियो। वीडियो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, और अब हम बनाते हैं दूसरी वीडियो। ये अच्छा है। इस पे हम बनाएंगे अब दूसरा वीडियो, और उसके बाद बनाएंगे हम अपनी बहन का भी वीडियो। चलिए दूसरी वीडियो बनाते हैं। उनका जूम किया है और उसके बाद हम जाते बनाना। ये सेट हो चुका है फाइनली, अब हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। स्टार्ट करने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि गाना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो अब हम लोगों ने सेट कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने, रील बनाने के लिए। रेड डाल मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस से बैक, क्योंकि मेरी सिस्टर गई है आइसक्रीम लाने के लिए। नीचे बहा 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 बोल रहा था, जो रिक्शा लेके आता है वो बोल रहा था, तो इस वजह से मेरी सिस्टर गई है नीचे आइसक्रीम लाने के लिए। तो अभी देखते हैं जब वो आइसक्रीम लेकर आती हैं। और ये मेरी मम्मी सो रही हैं। जग रही है। तो ये मेरी सिस्टर आइसक्रीम ला चुकी है, 4 ऑरेंज, काफ़ी दिन बाद खाने जा रहे हैं। खोल फेवरेट राम रे बचपन में आइसक्रीम। वाव, टेस्टी है। ये देखिए सब लोग आइसक्रीम खाते हुए। हेलो गाइस, हम लोग थे अभी जिम में, और जिम से मैं रिटर्न आ चुकी हूँ, आपने देखा होगा आगे, और आए हैं हम लोग, और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली अभी सो रही है। लेटी सब लोग लेटे हुए हैं, और मेरा बाल देखो, मैंने झाड़ा भी नहीं है बाल अपना, और ऐसे ही बाल ऐसे समेट के और मैं जिम चली गई थी। क्या खड़ा है, नेचुरल ब्यूटी है ना, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिकॉज वी आर नेचुरल। और उसके बाद ये देख लो, देखो कुछ भी लगा, दिखा कुछ, दिखा कुछ, नेचुरल है, कुछ लगा के भी नहीं जाते यार, कुछ भी नहीं लगा के जाते। ये देखो, देख लो पास से, देख लो
नेचुरल ब्यूटी है तो कुछ नहीं।